चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है आधा कप पोहा। ये नॉर्मली जो हम घर में यूज़ करते हैं वही पोहा मैंने लिया हुआ है। ठीक है, आपके घर पे जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। उसी के साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ पानी। तो यहाँ दोस्तों हमें पानी से बढ़िया से इसको साफ़ कर लेना है ताकि इसका पूरा पाउडर निकल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना सारा पाउडर इसमें है। मैंने दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 बार बढ़िया तरीके से इसे साफ़ कर लिया था, तो इस तरह का साफ पानी हमें मिल गया है। चलिए 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसे रख देते हैं ताकि हमारा जो पोहा है वो फूल जाए। तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक मीडियम साइज आलू लिया था मैंने, उसे छिल के इस तरह से हमें टुकड़ों में कट कर लेना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से ही कट करना है, आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं या फिर इससे बड़े टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके तो हमें इसको पीसना ही है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। चलिए पानी डाल के बढ़िया से इसे भी साफ़ कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों इसे बढ़िया से मैंने साफ़ कर लिया है। चलिए इसका पानी हम निकाल देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टार्च है। और पानी निकालने के बाद दोस्तों वापस से मैं इसमें पानी डाल के रख देती हूँ। वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा मैंने क्यों किया है। यहाँ दूसरी तरफ दोस्तों हमारे पोहे भी बढ़िया से गल गए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से दबा के देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया से वो दब रहे हैं, यानी कि बहुत बढ़िया से गल गए हैं। तो मैंने यहाँ पे ना उसका पूरा पानी निकाल दिया है। उसके बाद हम लेंगे एक मिक्सी जार, छोटा वाला जार मैंने लिया हुआ है, और उसमें हम डाल देंगे आलू को। तो दोस्तों पानी निकालने के बाद ही आलू को इसमें डालिएगा। ठीक है, तो आलू हमने पानी में इसलिए रखा था दोस्तों, अगर हम ऐसे ही रख देंगे ना तो वो काला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब हम डाल देंगे इसमें पोहा। यहाँ दोस्तों पोहे से हमें पूरा पानी नहीं निकालना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं 2-4 चम्मच एक्स्ट्रा रखना है ताकि ये सही से पिस सके। ठीक है, एक आधी चम्मच हम इस तरह से ऊपर से भी डाल देंगे, लेकिन आप पहले दोस्तों पीस कर देखिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तभी आपको चम्मच से उसको ऐड करना है, नहीं तो जो हमारा बैटर है ना वो गीला हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए ही पानी को डालना है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने बढ़िया से इसको पीस लिया है और ये इतना टाइट होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि पानी ना बहुत ही कम डालिएगा, क्योंकि आलू के अंदर भी पानी होता है और उसी के साथ जब हम पोहे में पानी लेते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा पानी चले ही जाता है। ठीक है, तो अगर आपने बाद में भी उसमें पानी डाल दिया ना तो वो ज़्यादा गीला हो जाएगा। और बस अब हमें क्या करना है, इसको 2 से 3 मिनट के लिए लगातार फेंट लेना है ताकि ये इस तरह से हल्का हो जाए। आप देख सकते हैं बढ़िया से ये फूल गया है और बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया है, और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी टाइट होनी चाहिए, ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर फिर भी थोड़ा सा गीला हो गया होगा तो मैं आगे आपको वो भी बताऊँगी कि आपको तब क्या करना है। अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा धनिया, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स और स्वाद अनुसार नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों कम या ज़्यादा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे भी आपको खाना पसंद हो। मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच डाला है। ठीक है, अब बढ़िया से हमें इन सबको मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और मेरे चैनल यानी कि रेनू रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ दोस्तों तीखे के लिए मैं 2 हरी मिर्च को कट करके डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने 1/2 इंच अदरक का टुकड़े को इस तरह से किस लिया था, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बाइंडिंग के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 चम्मच मैदा। मैदे की जगह दोस्तों आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं कॉर्नफ्लोर, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना वो आप ले लीजिएगा। इससे बहुत ही बढ़िया से बाइंड हो जाएगा हमारा जो बैटर है, और यहाँ बस इसको भी हमें बढ़िया से फेंट लेना है। आप देख सकते हैं जो हमारा बैटर है वो थोड़ा सा टाइट भी हो गया है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा गीला है तो आप एक आधी चम्मच और भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, या तो आप पोहे को गला के डाल दीजिएगा या फिर इस तरह से थोड़ा सा मैदा उसमें डाल सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ ही आपको बता दी है। यहाँ दोस्तों दूसरे साइड मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही वो बढ़िया से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हम इस तरह से इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाएंगे। अब पकौड़ी बनाते टाइम भी दोस्तों आपको 2 चीज़ों का ध्यान रख के ही बनाना है। एक तो देखिए तेल हमारा बढ़िया से गर्म होना चाहिए, अगर ये थोड़ा भी ठंडा हुआ ना
तो हमारी जो पकौड़ी है वो नीचे जाके फैल जाएगी और वो सही नहीं बनेगी। और दूसरी चीज़, जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं, हमें एक ही जगह सारी पकौड़ी नहीं डालना है, एक बार हमें इस तरफ डालना है तो दूसरी तरफ हमें दूसरी बार डालना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आपकी पकौड़ी बन के तैयार हो जाएंगी। और ये लीजिए, जैसे ही इस तरह से झाग कम होंगे हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो है ना कितना इंस्टेंट नाश्ते की रेसिपी। जब भी कुछ चटपटा झटपट खाने का मन हो ना, तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और ये देखिए, मैंने सभी पकौड़ियों को इस तरह से बना के निकाल लिया है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ मैंने सभी पकौड़ियों को बना के तैयार कर लिया है। एक तोड़ के भी बता देती हूँ, इसे टमाटो सॉस के साथ खाएंगे ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़कर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।